वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि आपका लेटेस्ट SSB एग्जाम डेट्स के अपडेट्स हैं। अभी तक आप लोग परेशान होंगे कि अभी तक आपके SSB डेट्स आए नहीं हैं, बट आज मैं नोटिफिकेशन लेके आई हूँ जहाँ पे अब आपको ये पता चलने वाला है कि जो भी अभी तक आपने एग्जाम्स दिए हैं या जो भी डायरेक्ट मोड ऑफ एंट्रीज के थ्रू आप सब अपनी SSBs का इतने टाइम से वेट कर रहे थे, अब उनकी नोटिफिकेशन और अब आपकी SSB डेट्स बहुत ही जल्दी अनाउंस होने वाली हैं। तो चाहे वो CDS 2019 की बात हो, CDS 1 2020 की, NDA एग्जामिनेशन 2019, सेकेंड NDA एग्जामिनेशन या CAT 1 एग्जामिनेशन 2020, SSC टेक एंट्री की बात मैं करूँ, INET के SSBs की बात करूँ, TGC एंट्री की बात करूँ, TES, तो इन सारे एंट्रीज़ का क्या SSB अपडेट है, कब आपकी SSB स्टार्ट होने वाली हैं, जिनकी जॉइनिंग्स हैं उनकी जॉइनिंग्स कब स्टार्ट होने वाली हैं, जिनकी मेडिकल्स हैं उनके मेडिकल्स कब होने वाले हैं, तो इन सब के बारे में आज हम पूरा इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड ऐसे अपडेट्स जानने के लिए कीप सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट क्रैकर्स एंड विजिट www.governmenttrackers.com। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं TES एंट्री वालों के लिए, तो MHRD ने ऑलरेडी एक नोटिस निकाल दिया कि जो बोर्ड के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे वो प्रॉबेबली 1st to 15th of July 2020 के बीच में अनाउंस होंगे। यानी वंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे तो इट इज़ फॉर श्योर कि TES एंट्री के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, सो दैट आप अपने एग्जाम्स को फिल कर पाएँ, क्योंकि TES एंट्री के लिए 12th मार्क्स कंपलसरी होते हैं। तो TES वालों के लिए आपका टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जैसे ही 1st to 15th के बीच में जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके जस्ट बाद TES के फॉर्म्स निकलने वाले हैं। तो कीप एन आई चेक ऑन द वेबसाइट ऑफ जॉइन इंडियन आर्मी और यू कैन गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट क्रैकर्स एज वेल। तो आपके SSBs में ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपनी SSB की प्रिपरेशन अब डेफिनेटली करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है इस ईयर के प्रोसेस में। उसके बाद अगर मैं बात करूं CDS 2 2019 की SSBs की, CDS 1 2020 की SSBs की, NDA, FCAT, SSC Tech, INET, TGC, इनकी अगर मैं बात करूं, तो इन सारे के सारे SSB की डेट्स जो हैं वो 15th of June ऑनवर्ड से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यानी 15th of June से ये डिसाइड होने लगेगा कि किसकी के SSBs कहाँ पे हैं। बट इस टाइम एक जो मेजर चेंज आएगा वो ये होगा कि प्रॉबेबली आपको इस बार अपना फेवरेट सिलेक्शन सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन ना मिले। यानी इस बार सीइंग द सिचुएशन, जिसका जो भी नियर बाय सेंटर होगा उसको वहाँ पे मिलेगा। तो आप जो अपने सेंटर चूज़ करके पहले जाते थे कुछ एग्जामिनेशंस में, इस बार आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप सेंटर चूज़ करेंगे। आपको एक फिक्स डेट्स दे दी जाएंगी एंड उन डेट्स पे आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। डेट चेंज को लेके अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, तो अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि डेट्स चेंज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, बैचेस इस तरह से बनाए जाएंगे कि आपको सिलेक्शन सेंटर पे उन्हीं पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना होगा। सो चेंज इन SSB सेंटर्स आई थिंक दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। और क्योंकि आप सिलेक्शन सेंटर के लिए नए होंगे, तो अगर आपको सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो देयर इज दिस बुक इन गवर्नमेंट क्रैकर्स, जहाँ पे आपको लोकेशन रिलेटेड डिटेल्स, सेंटर डिटेल्स, हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड या सेंटर, और वहाँ पे जो भी फेमस प्लेसेस हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको उस सेंटर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो SSB से रिलेटेड सेंटर्स हों, FSB से रिलेटेड सेंटर्स हों, या NSP से रिलेटेड सेंटर्स हों, इसका पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। एंड द बुक कॉस्ट एट अ वेरी नॉमिनल रेट, सो यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट एंड बाय दिस। अगर SSB के स्टार्टिंग की बात करूं, तो मैंने बोला 15th of June 2020 से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी ये SSB का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बैच बनाने का। उसके बाद जो आपके पास डेट्स आने लगेंगी, प्रॉबेबली दैट विल बी फ्रॉम 1st week of July से आपकी SSB की स्टार्टिंग हो जाएगी। यानी आपको अभी कुछ टाइम में नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे और 1st week of July से आप में से बहुत लोग के SSB डेट्स भी आ जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैं CDS, SSC Tech और NCC एंट्री की बात करूँ, यानी ऐसी एंट्रीज जिनके जो SSB थे वो आपके अप्रैल या मई में या मार्च अप्रैल में होने वाले थे, आप लोगों की SSB थोड़ी सी डिलेड होगी। आप लोगों की SSB प्रॉब्ली अगस्त के महीने में होगी, ठीक है, क्योंकि आप अभी इस फ्रेश ईयर के हैं। तो अभी क्योंकि पुराने ईयर के कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं या कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिनके SSBs अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाए ड्यू टू दिस लॉकडाउन, तो अब आप उनकी SSBs पहले होंगी और उसके बाद आप लोगों की जो है SSBs होंगी।
होंगी। तो आप लोगों के पास अगस्त तक का टाइम है, यानी जुलाई लास्ट तक आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अगस्त में आपकी SSBs होंगी। अगर मैं बात करूँ मेडिकली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हो चुके हैं और उनके जिनके मेडिकल्स अवेटिंग है, सो प्रॉबेबली फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपके मेडिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल्सो जिनके ज्वाइनिंग्स आ चुके हैं, हो सकता है आपके जो जुलाई फर्स्ट वीक से आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आपको एकेडमी में बुला लिया जाए। तो जो अपने ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं वो भी प्रॉब्ली बाय मिड ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक उनके ज्वाइनिंग्स आ जाएंगे, और जो मेडिकली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज दिस कोर्स पर्टिकुलरली आप सबको SSB FSB और NSB के कोर्सेज के लिए हेल्प आउट करने के लिए, जहाँ पे लॉकडाउन में वी हैव डिजाइन दिस स्पेशली एट अ वेरी नॉमिनल रेट, जो आपको पूरे मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिलेगा इतने सारे फीचर्स के साथ। लेट्स हैव अ लुक जल्दी जल्दी से कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले इसमें आपको 50 प्लस वीडियोस मिलेंगी, ऑल द फाइव टॉपिक्स जो भी आप ऑल द फाइव डेज होते हैं उनके बारे में एक एक करके बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपको 15 प्लस ई बुक का पैकेज मिलने वाला है, जहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले हैं SSB से रिलेटेड, चाहे आपका वो साइकोलॉजी एग्जाम हो, चाहे वो आपका GTO हो या आपका स्टेज वन का एग्जाम हो। आपको डाउट सेशंस कंडक्ट होंगे, आपके वीकली असाइनमेंट्स होंगे, डिफेंस रिलेटेड ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स आपको मिलेंगी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई जाएगी क्योंकि इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपका SSB, मेडिकल टिप्स आपको मिलेंगी, स्पोकन इंग्लिश क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं है तो पूरी इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो स्पोकन इंग्लिश अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, एंड इंटरव्यू ट्रिक्स एंड टिप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस माई वेबसाइट का फ्री मेंबरशिप एंड करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी। तो इतने सारे फीचर्स देख रहे हैं आप एट अ वेरी नॉमिनल रेट। गो टू द वेबसाइट, चेक इट आउट, इफ़ यू फाइंड इट कि हाँ ये सुटेबल है आपके लिए तो यू कैन बाय दिस। ठीक है, दिस इज़ टू हेल्प फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स इफ़ यू वॉन्ट टू, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, सो एट्स अ वेरी नॉमिनल रेट ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। इस बार मैं अगर आपको SSB टिप्स की बात करूं तो SSB में इस बार क्या डिफरेंट होने वाला है, सबसे पहले आपका पॉजिटिव नेचर इस बार रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हर जगह थिंग्स आर सो नेगेटिव, तो आपका पॉजिटिव रहना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप जब भी अपने SSBs में जाएं, प्लीज़ बी लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव। सेकेंड, बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप पर भरोसा रखें। ठीक है, वंस यू आर देयर इन द SSB आप पॉजिटिव नेचर के साथ हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी नेगेटिविटी है अराउंड वर्ल्ड में एंड यू आर गोइंग टू बी क्लास वन ऑफिसर और वो भी इंडियन डिफेंस में, तो आपको हाईली मोटिवेटेड, हाईली एंथुजियास्टिक, हाईली जॉयफुल, चेयरफुल जैसे रहना है वैसे रहिए, क्योंकि यू नीड टू शो दैट ठीक है सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए बट यू विल रिमेन वॉट यू आर, आप किसी भी चीज़ से डगमगाने वाले नहीं हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रिपेयर योर बेस्ट, लाइक इतना लंबा लॉकडाउन पीरियड मिला है तो यू कांट से कि मेरे पास, यू कांट गिव यू नो एक्सक्यूजेस कि मैं इस काम में बिजी था, इस काम में बिजी था। आप कितने भी काम में बिजी हो बट डेफिनेटली अगर आप एक एस्पायरेंट हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहते हैं, सो दिस टाइम यू कैन नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज कि ये रीज़न था सो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। ठीक है, इस तरह की कोई भी जो एक्सक्यूज़ है वो आई डोंट थिंक सो इस बार SSB में एंटरटेन की जाएगी। तो ऑल्सो बींग अ गुड कैंडिडेट और बींग अ रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट, आपको अपना टाइम शेड्यूल इस तरह से बनाना होगा जहाँ पे यू हैव इफेक्टिवली मैनेज किया, आपने बाहर की भी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा और अपने स्टडीज़ पे भी ध्यान दिया होगा। तो ये एक्सक्यूज इस बार जब भी आप चाहे अपने PIQ में लिखें या आप अपने कहीं पे एग्जाम्स में लिखें, अपनी स्टोरीज में बनाएं या इंटरव्यू में बताएं, तो दिस टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस शुड नॉट बी गिवन। ऑल्सो क्या आपने इफेक्टिवली टाइम मैनेज किया है अपने अकॉर्डिंग, तो वो आपको इस बार अपना इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बताना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे OLQs दिखाने वाला है आपके खुद के बारे में। उसके बाद आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि इस बार इतने सारे चेंजेस आए हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको फुल प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ेगा। ऑल्सो द थिंग इज़ दैट देर आर सो मेनी चेंजेस कमिंग इन द एग्जामिनेशन कि कभी भी कोई भी सिस्टम चेंज हो सकता है, और ज़रूरी नहीं जो प्रोसेस हम दे रहे हों इन्हीं प्रोसेस में आगे चीज़ें चलती रहें, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करके लास्ट अटेम्प्ट मान के इस एग्ज़ाम को हमें देना होगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे टेक्निकल एंट्री में ऑलरेडी आ चुका है जहाँ पे आपको अब JEE मेंस का एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी हो गया देने के लिए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में SSB सिस्टम में भी कुछ चेंजेस आ जाएँ, तो उस टाइम पर हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि एक सिस्टम जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं और उसके बाद अगर कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वो मार ले उसको, उस अकॉर्डिंग अपने आप को डाल के और सिस्टम में जाना और एग्ज़ाम देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने टाइम से चल रहा है तो हम इसके यूज्ड हो गए। इसलिए आप, क्योंकि लॉकडाउन भी था
और इतना लंबा टाइम आपको मिल गया, तो इस अटेम्प्ट को आप अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के लीजिए, सो दैट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसमें अपने एग्जाम को क्लियर आउट कर लें, रदर देन गोइंग ऑन रिपीटिंगली अगेन एंड अगेन. जो न्यूज़ रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस समय न्यूज़ हैं, तो इस समय सिर्फ इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन बहुत ख़राब है. चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड आप देख लें या इकोनॉमी लेवल पे देख लें, तो पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ पर आपके लिए जानना और उससे रिलेटेड अपडेट अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है. तो मैं कहूँगी इस बार आप प्लीज़ वर्ल्ड करंट अफेयर्स, वर्ल्ड रिलेटेड न्यूज़ भी डेफिनेटली पढ़ें अपार्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो आप हैं ही, बट इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको वर्ल्ड अपडेट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल्सो वंस यू देयर इन द SSPs, जो भी लॉकडाउन हुआ, जो भी नेगेटिविटी आई, जो भी प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट ऑल दिस. इस बार आप SSBs में कंप्लेनिंग अगर करते हैं तो वो आपकी नेगेटिविटी शो करता है, यानी देर वॉज अ चैलेंज फॉर यू एंड आप उस चैलेंज से डर गए या हार गए, ठीक है. तो दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट योर पर्सनैलिटी, योर OLQ एंड योर चांसेज ऑफ गेटिंग रिकमेंडेशन. तो इन सारी चीज़ों को अगर आप चाहें तो इस बार अवॉइड कर सकते हैं, और ये टिप्स रहेंगी अपकमिंग SSBs के लिए. सो अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, प्रॉबेबली 5-7 से 10 दिन आपके हाथ में हैं और आपके हाथ में आपकी SSBs है. तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक प्रिपेयर किया है, वेल एंड गुड, आपके लिए रिविजन का टाइम है. जिनके लिए नहीं है, दे रियली हैव टू डू द हार्ड वर्क, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर कप ऑफ टी. ऑलराइट, सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, प्लीज़ विजिट द साइट www.governmenttrackers.com, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट दीज काइंड ऑफ रिलेटेड अपडेट्स जो आपको टाइमली मिलती रहेंगी. एंड अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप हमारी साइट पर विजिट करके वहाँ पे फोरम में क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारी साइट पर अवेलेबल मिलेगा. और किसी भी तरह की हेल्प के लिए ऑलवेज वी आर देयर फॉर यू एंड विल बी हेल्पिंग यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर वी कैन डू. एंड बेस्ट ऑफ लक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSPs. मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद.